बीच में विभाग के माननीय मंत्री जी भी उपस्थित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम से करेंगे। दीपिका, दीपिका जो नगर निगम में काम करती है सामुदायिक संगठन के रूप में, और मैं आपको बताना चाहूंगी कि नगर निगम ही पहला ऐसा धन्यवाद। और दीपिका की इस प्रस्तुति को देख माननीय मंत्री जी ने इन्हों मंत्री की आवाज ही प्रतिनिधि समुदाय के लोगों को आवाज की सुविधा मिली है। हिस्ट्री है और इस दिशा निर्देश के सबसे पहले छत्तीसगढ़ शासन ने कार्रवाई किया। और हमारे इनमें से सर एक बच्ची नगर निगम में जॉब करती है और ये हिस्ट्री आप लोग अंदर जाइए। जगह नहीं है ज्यादा, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर देख लीजिए, इधर फोटो खींच लो भाई, फोटो वाले ये भी है सब। दो बच्चे सामने ही रहते हैं सर। हाँ सर, ऐसा है कि नया किराए का मकान तो मिलता नहीं था, नया मकान तो खरीद नहीं सकते थे, और हमेशा ये सोचते कि हमारा खुद का घर हो, तो यहाँ पे अपनी आज़ादी से सुरक्षित है। हाँ बिल्कुल, और रायपुर नगर निगम पहला है जो आप लोगों को इस तरह का सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं। मेयर साहब भी और भैया हैं, कमिश्नर सर हैं, अपर कमिश्नर सर, हर अधिकारी कर्मचारी बहुत अच्छे हैं सर। वो आपके डायरेक्टरेट और मिनिस्ट्री और नीचे नगर निगम ने सब लोग मदद करेंगे। हम लोग बहुत बड़ी बात है कि शादी की और आपको जो है स्वीकार कर लिया गया इस सिंधी समाज में और इस हमारे भारतीय समाज में। प्लस फैमिली ज्यादा एक्सेप्टेशन ज्यादा मायने रखता है, फैमिली एक्सेप्टेशन बहुत, ये लोग बहुत खुश हैं फैमिली के एक्सेप्टेशन, समाज में जो स्वीकृति दी और साथ में जो शासन ने इनके लिए जो किया है कि बीएसयू को फ्लैट्स देकर जो है कि हमने मैं महासमुंद से आई जैसे बताना चाहूंगी कि हम लोगों ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाया है 2 मिनट का, कि घर मिलने के बाद हमारे समुदाय के लोगों में क्या परिवर्तन आया है, वो इस सुविधा को किस रूप में देखते हैं और किस तरीके से उनकी जिंदगी में बदलाव आया है और आगे भी वो किस तरीके से मुख्य धारा की ओर अग्रसर होंगे, उनके अनुभवों को हम एक डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से। माननीय मंत्री नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग डॉक्टर शिव डहरिया सर, माननीय रायपुर नगर निगम के महापौर श्री प्रमोद दुबे जी, मंच पर विराजमान सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगण, आज इस सभा में उपस्थित सभी गणमान्य नागरिकगण एवं ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के सदस्यगण, आप सभी का इस अभिनंदन समारोह में स्वागत है, अभिनंदन है। सर,
ये मैं आप दो मिनट में बस अपनी कहानी बताना चाहूँगा, क्योंकि आज तक आप लोगों से चर्चा बहुत हुई, विद्या राजपूत मैडम से बात बहुत हुई, कभी मैंने अपने बारे में नहीं बताया कि ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से मुझे भी बहुत डर लगता था। मैं अपना खुद का कहानी बता रहा हूँ, 19 साल 20 साल की उम्र तक मुझे भी बहुत डर लगता था। 21 साल की उम्र में मेरी ITS में नौकरी लगी भारतीय पुलिस सेवा में। वहाँ पर हमारे जो अकेडमी के डायरेक्टर थे उनकी सोच अलग थी। वो चाहते थे कि जो पुलिस वाले आज की डेट में बने, जो पुलिस अधिकारी बने, वो सिर्फ परेड ना करें, सिर्फ डंडा चलाना ना सीखे, वो एक आदमी अच्छा बने। तो उन्होंने हम लोगों से ये चर्चा की कि भाई आपको क्या लगता है सबसे ज़्यादा पुलिस किसको प्रताड़ित करती है। तो बहुत लोगों का हमने नाम लिया, चोरों का, बहुत लोगों का, कुछ कम्युनिटीज़ का नाम आया, बहुत लोगों का नाम आया। किसी ने भी ये नहीं सोचा कि ट्रांसजेंडर जो कम्युनिटी होती है उसको पुलिस कितना प्रताड़ित करती है। तो उन्होंने हमको वो चीज़ दिखाई। उसके बाद हमारा 3 दिन का ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के साथ एक वर्कशॉप रखी और हमको उनके घर भेजा ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के। हम कई लोगों से बातचीत की, तब हमको समझ में आया कि जिन लोगों से हम डरते थे असली में तो हमने ही उनको डरा रखा है। कहीं ना कहीं बचपन से ही, जब से वो पैदा होते हैं तब से उनके खिलाफ कहीं ना कहीं एक बहिष्कार होता है समाज में, उससे एक उनको बुरी भावनाएं जगती हैं, कई लोग फिर क्राइम के रास्ते चले जाते हैं। वो एक चीज़, एक व्यक्तिगत रूप से मेरा खुद का कॉन्सेप्ट उससे क्लियर हुआ। और सर यहाँ रायपुर नगर निगम में भी जो हमने जो ये प्रयास किए हैं माननीय महापौर महोदय के मार्गदर्शन में, उसका भी एक शुरुआत हमने एक वर्कशॉप से की थी। सबसे पहले ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के जो विशेष कुछ लोग हैं जो कि लगातार इनके जागरूकता के लिए भी और इनके डेवलपमेंट के लिए भिड़े रहते हैं, उन लोगों को इन्वॉल्व करके हमने एक अच्छा 3 दिन का वर्कशॉप रखा था नगर निगम में, जिसमें सभी पार्षद उपस्थित थे। उनके सामने हमारी ये सब चर्चाएं हुई, तब बात हुई कि क्या क्या हम कर सकते हैं इस समुदाय को मोर रायपुर से जोड़ने के लिए। इसी श्रृंखला में सर हमने अभी इनकी जितनी मांग थी इस समुदाय की उसको सबको पूरा किया। आवास को लेकर के हमने अलग अलग बैचेस चलाए मेकअप आर्टिस्ट के और इस VTP में ट्रेन किया, जिस तरह का वोकेशन आगे आने वाले समय में इन समुदाय के लोग ले सकें। उनमें से कुछ 2 लोगों को हमने रोजगार भी दिया नगर निगम में, जिससे कि हम ज़्यादा स्व सहायता समूह बना पाएँ जिसमें ट्रांसजेंडर सदस्य उसमें रहें और आगे चल के इकोनॉमिकली वो स्वतंत्र रहें, कुछ अपने खुद का आय जनरेट कर पाएँ। और हमारे यही आशा है सर कि आपके मार्गदर्शन में, माननीय महापौर महोदय के मार्गदर्शन में, हम लोग आगे चल के जो मोर रायपुर का जो कॉन्सेप्ट है, मोर रायपुर मोर जिम्मेदारी का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को पूरी तरह से अपने अंदर बसा पाएँ और इनको यूज़ कर पाएँ कि कैसे हम मोर इस शहर के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, इसमें ये समुदाय मिलकर भागीदार बने, इस शहर के विकास के लिए भागीदार बने। थैंक यू सर। महोदय जी से अनुरोध करेंगे कि वो अपना आशीर्वचन और उद्बोधन यहाँ पे दें। साथीगण, बहुत अच्छा प्रयास है नगर पालिक निगम द्वारा कि तृतीय लिंग वर्ग समुदाय के कल्याण के लिए जो महत्वपूर्ण कार्य है उनको एक बीड़ा के रूप में उठाया है और उनको अंजाम देने के लिए पूरे देश में सबसे पहले काम नगर पालिक निगम रायपुर ने किया है। मैं उनको बधाई देता हूँ। सभी निश्चित रूप से ये वर्ग भी हमारे समाज का हिस्सा है, लेकिन इनको हमेशा अलग रखा जाता था। संविधान में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं, सबको समानता का अधिकार है, सबको शिक्षा का अधिकार है, सबको रोजगार का अधिकार है, सबको आर्थिक क्षेत्र में उन्नति करने का अधिकार है। इन अधिकारों से इन वर्गों को हमेशा दूर रखा जाता था। अब सरकार ने और हमारे साथियों ने इन सब को एक साथ लेकर चलने की और जिन सुविधाओं को उनका आकांक्षा थी, जो मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, वो सब सुविधाएं पूरी तरह से मिलेगी। इसके लिए आप सबको सरकार भी आश्वस्त करती है और नगर पालिक निगम रायपुर ने जो पहल की है वो भी बहुत सराहनीय है। अभी समाज में जिस तरह से पहले इन लोगों को हीन भावना से देखा जाता था, समाज में संविधान में व्यवस्था है सबको समानता का, इस जागरूकता अभियान चलाकर इन वर्गों को समाज के मुख्य धारा में लाने का काम हम लोग सब करेंगे, नगर पालिक निगम भी कर रही है। तो निश्चित रूप से इसका लाभ पूरे प्रदेश में हमारे इस वर्ग के लोगों को मिलेगा, जो हमारे छत्तीसगढ़ के लिए एक उपलब्धि होगी। नगर पालिक निगम रायपुर ने एक कार्यक्रम चालू किया है। मैं प्रयास करूंगा कि जितने हमारे नगरी निकाय हैं, 166 नगरी निकाय, उन नगरी निकाय में तृतीय लिंग समुदाय का
चिन्हांकन किया जाए, उनको भी जैसा नगर पालिक निगम रायपुर ने सुविधाएं दी हैं अन्य निकायों में भी उनको सुविधाएं मिले। अभी 77 मकान आयुक्त महोदय ने बताया 77 मकान हमारे इन लोगों को दिया गया है, 50 मकानों का और आवश्यकता बताया गया है तो वो भी निर्धारित कर लिया गया है और बहुत जल्दी हमारे आयुक्त महोदय और महापौर महोदय उन 50 मकानों का आवंटन भी आप लोगों को करेंगे। सामुदायिक भवन की आप लोगों की जो मांग है उसके लिए जगह भी देखा जा रहा, अभी आयुक्त महोदय से चर्चा हुई है और जगह जैसे ही मिलेगा वो भी आप लोगों का सामुदायिक भवन का मांग पूरा हो जाएगा और हम लोग आपके साथ मिलकर काम करेंगे, कहीं कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, ये हम सब आपको आश्वस्त करते हैं। और हम लोग और भी कार्यक्रम है, महापौर जी अभी रुकेंगे और जब भी आप लोग बुलाएंगे हमारे महापौर जी, हम लोग हमेशा आप लोग हर समस्याओं के निदान के लिए हमेशा उपलब्ध हैं, कहीं कोई आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी, ये सब हम आपको आश्वस्त करते हैं। आप लोगों ने यहाँ बुलाया और सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। सड़क वाला, हाँ हमारे महापौर जी बोल रहे हैं कि मुख्य सड़क है वहाँ से यहाँ तक आने के लिए सड़क खराब है, तो आयुक्त तो महोदय उसका प्रस्ताव लेकर आएंगे, वो सड़क भी आपका बनेगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। 29 राज्य में पहले ऐसे माननीय मंत्री जी हैं डॉक्टर शिव डहरिया जी जो आपके मकान के अंदर घुस करके आपकी स्थिति को देखे हैं, शायद मैंने आज तक के कभी ये चीजें नहीं देखी। बड़े आदमियों के जो बड़े बड़े अट्टालिकाएं होती है वहां लोग जाते हैं, लेकिन डॉक्टर शिव डहरिया जी का मकान आपके मकान जैसा है, इसलिए उनकी संवेदना है जो आपके मकान के अंदर घुस करके आपकी स्थिति को उन्होंने देखा। मैं सर रायपुर नगर निगम की ओर से आपको अभिनंदन करता हूँ, पूरे पार्षदों की ओर से आप आए, अपना अमूल्य समय इनके लिए दिया, बाकी आपके आशीर्वाद से पूरे भारत में पहला नगर निगम है। आदरणीय भाई श्री कुमार नगन जी यहाँ उपस्थित है, हमारे आयुक्त महोदय, हमारे दोनों अध्यक्ष सोमनलाल ठाकुर का ये वार्ड है, जो जोन अध्यक्ष भी हैं काफ़ी ध्यान रखते हैं, और सभी हमारी बहनों से मैं आग्रह करूंगा कि इनका इनको छोड़िएगा मत। डॉक्टर अल्लू साहू जी हैं हमारा भाई वार्ड नंबर 1 के पार्षद साहू जी और मनोज भाई और सभी यहाँ उपस्थित हैं, मैं विद्या जी से आग्रह करूंगा कि जल्दी से माननीय मंत्री जी को